चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक मुहिम राजा जैन के खिलाफ लगाई गई थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करी थी। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है लवलेश जी बंसल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि आज न्याय व्यवस्था ने फिर से साबित कर दिया कि अपराध किसी भी श्रेणी का हो, अपराधी को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। और राजा जैन जो कि कांग्रेस नेता है, उसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणियां करी थी, उसका यह परिणाम रहा कि आज उसकी इस सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो गई है। हमारे जो सुनील कुमार जी शर्मा है, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद से ही वो व्यक्ति फरार चल रहा था। और आज फिर कोर्ट ने साबित कर दिया कि हिंदू समाज के खिलाफ ये जो उसने बेबाक बयानबाजी करी थी, उसके लिए उसको अपराधी साबित किया गया है। ये अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर के समक्ष राजा जैन और राज जैन, जिसके विरुद्ध 153A 295 IPC और 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके द्वारा अपने मोबाइल से फेसबुक पर कुछ पोस्ट डाली थी, जिसमें एक पोस्ट माता दुर्गा से संबंधित थी। उसके संदर्भ में एक सुनील कुमार परिवादी द्वारा एक मुकदमा गंज थाना अजमेर पर दर्ज कराया था, जिसकी अग्रिम जमानत की सुनवाई आज थी। माननीय न्यायालय ने उस अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसके आवेदन को खारिज किया, और खारिज करने का आधार माना कि अभियुक्त जो है राज जैन और राजा जैन, पुलिस द्वारा बार बार उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन वो अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा। और उस पर क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहा और उस अपनी जो उसका पता दिया हुआ उससे छुपा हुआ है, रूपोश है, तो इसलिए उस पर धारा 41 के तहत नोटिस भी तामील नहीं कराया जा सकता। और जिस तरह का अपराध है, अगर ऐसे अपराध में जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और जो इसने पोस्ट डाली है, उन पोस्ट से संप्रदाय विशेष की भावनाओं को प्रथम दृष्टया आहत हुई है, ऐसा न्यायालय ने मत व्यक्त करते हुए इसकी जमानत की अर्जी खारिज की।